ये सब जो है वो लाइन से दुकान ही है सब, ये मेन रोड पे है। मॉर्निंग मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस, यहाँ पे आज हम आप पहुँचे हैं CST छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई, और ये जो नज़ारा है ये है स्टेशन का, और यहाँ से हम अभी बाहर निकलेंगे। बहुत ही प्यारा है, और अभी जो आपको ये खाली दिख रहा है क्योंकि दोपहर के 11:30 बज रहे, ऑफिस टाइम खत्म हो चुका है, मतलब ऑफिस जाने का टाइम खत्म हो चुका है, इसलिए थोड़ा खाली है। आप खाली 10 बजे से पहले और शाम को 5 बजे के बाद आना। आप आई थिंक सो नए, अगर नए नए हो तो आप ट्रेन में जाओगे ही नहीं, इतना भीड़ रहता है। सामने ये रहा नजारा जो आप देख रहे हो, बहुत ही प्यारा यार, कितना साल हो चुका है इमारत को जो अभी तक खड़ा है यहाँ पे, और ये बहुत ही शानदार लग रहा है। तो यहाँ पे ये मास्क निकालना बहुत भारी पड़ जाएगा। सो अभी जो आपने सीन देखा है ये है मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, और इसे CST स्टेशन के नाम से भी लोग शॉर्टकट तरीके से बोलते हैं, और हम यहाँ पे आए हैं बोरा बाजार जो पीछे ही मार्केट है जहाँ पे हम कैमरे का सामान लेने वाले, और बहुत ही फेमस मार्केट है। तो उससे पहले मैं ले लेता हूँ कैश, क्योंकि वहाँ पे कैश बहुत जरूरत रहता है कैश की, वो लोग ऑनलाइन पेमेंट जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते। पैसे निकाल लेता हूँ वरना मालूम पड़ा वापस अंदर चले जाएगा। ये मुंबई की शान बान डबल बस, क्या बात है। तो देखिए वहाँ पे सामने स्टेशन है, और अराउंड लाइक 2 मिनट्स लगता है ये मार्केट में पहुँचने के लिए। तो समझ जाओ ये दो जो बिल्डिंग है, दो बिल्डिंग के पीछे ही मार्केट है। तो मैंने कैश ले लिया है जो मुझे सामान यहाँ पे लेना है, लेकिन उससे पहले मुझे करना है पेट पूजा। हाँ, अनबिलीवेबल भाई, मतलब कि मैं अभी जस्ट 3 दुकान में गया और तीनों दुकान में एकदम डिफरेंट प्राइस मुझे बताए गए। तो एग्जैक्ट मैं मार्केट के बाहर दिख रहा है आपको, ये बस एक 3 कोन है, 1/2 किलोमीटर का एरिया है जिसमें सारे दुकान है। लेकिन भाई आज लगता है आपका भाई बार्गेनिंग सीख जाएगा कसम से यार, मतलब प्राइस जो है ना कहीं पे इतना है, कहीं पे इतना है, कहीं पे इतना है, कुछ और मत समझ जाना। ये देखिए यहाँ पे दुकान से, यहाँ पे जो है लाइनिंग से पूरा दुकान है। 2013 में मैं इस दुकान में आया था नीचे, 2013 में, और तब मुझे पता भी नहीं था कि इसको बोरा बाजार बोलते हैं, और ये कैमरे के लिए, कैमरे एक्सेसरीज के लिए सबसे बेस्ट मार्केट है। और आज देखो सबको पता है। सो ये सब जो है वो लाइन से दुकान ही है सब, ये मेन रोड पे है। सो ये उसमें लग जाएगा, ये उस माउंट में लग जाएगा, तो मेरा काम आराम से बस ये कि कैमरा घुमा के इसमें लगाना पड़ेगा ना, बस वही सीन है बस। तो कुछ नहीं यार, जो अपने पास वो जॉबी का जो गोरिल्ला ट्राइपॉड है वो तो बिल्कुल मैं यूज नहीं करता, तो उसमें कुछ जुगाड़ लगाना है। यस, तो ये कुछ है ऐसा जुगाड़। तो जैसे मैंने आपको बाहर से दिखाया कि मार्केट कैसा है, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी फोटोग्राफर है महाराष्ट्र और इंडिया भी शायद पता चल गया कि मतलब मुंबई में कहाँ पे एग्जैक्ट कैमरा मार्केट है, जहाँ पे बहुत ही सस्ते में और महंगा भी सामान मिलता है। और आप लोगों को पता है कि मार्केट में ये भी आ चुका है, हम मेरे लाइफ का सबसे पहला GoPro था, GoPro हीरो 5 मैंने लिया था, YouTube स्टार्ट करने के अराउंड 6 महीने बाद लिया था, और आज देखो GoPro हीरो 10 आ चुका है, और मेरा अभी का जो GoPro है वो है हीरो 8। तो हीरो 9 पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट हीरो 10 पे जंप मारेंगे अराउंड अपने राइड कंप्लीट होने के बाद। सो यहाँ पे हम जो सामान लेने आए, थोड़ा सा स्ट्रगल चालू है क्योंकि हम जो सामान ले रहे वो अपडेट नहीं, नया आ चुका है, मतलब इसका छोटा भाई ढूंढ रहे हैं हम GoPro हीरो 8 अपने बजट में। तो चलो सर्च जारी है, और एक जुगाड़ मिला यहाँ पे। सो सामने देखो बहुत ही प्यारा डिस्प्ले आपको कैमरे का दिख रहा है, और दूसरे के पास है R6। सो यहाँ पे जो हम सामान लेने आए थे, एक ये सामान ले लिया यहाँ पे, और एक सामान यहाँ पे ये ले लिया। सो यहाँ पे हीरो GoPro हीरो 8 एंड GoPro हीरो का मीडिया मोड जिसमें इनबिल्ट माइक रहता है, और मतलब हमें एक्स्ट्रा माइक लेना नहीं पड़ता। मैं यहाँ पे एक पूरा किट लेके आऊँ कि आपको दिखा सकूँ कि मैंने ये मीडिया मोड में क्या फ़ायदा है और इसमें क्या नुकसान है। अभी ये एक अलग से केस लेना पड़ता है जिसमें हम माइक लगा सकते हैं, एडाप्टर लगा सकते हैं,
तो थोड़ा सा बल्कि लुक बन जाता है मोटो ब्लॉगिंग के लिए, मतलब हेलमेट के आगे बहुत बड़ा कैमरा दिखता है। सो ये रहा माइक एडाप्टर जो अलग से लेना पड़ता है, जो इसके अंदर लग जाता है। और ये हाँ तुम भी आओगे यार, तुम तो आ चुके। और ये एक्स्ट्रा माइक, ये माइक इसमें भी लगेगा मीडिया मोड में। तो इसके अंदर कह सकता हूँ कि ये दोनों चीज़ है, ऐसे पकड़ता हूँ और मैं ऐसे पकड़ता हूँ, ये दो जो दोनों चीज़ है वो इसके अंदर है। तो ये बेस्ट है। तो कह लो कि ये 4,500 का, ये कुछ 1200 का, और प्लस कर लो 4,500 12, मतलब 5.5 हो जाता है। तो 5.5 में भाई ये उठा लो, उससे अच्छा इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। MRP के हिसाब से यहाँ पे मिलता नहीं, कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो रहता ही रहता है। जब तक मैंने कैमरा ऑन किया तब तक भाई ने इन्हें फाड़ के सीधा हाथ में थमा दिया यहाँ पे GoPro। सो पूरा पैक था ये, यहाँ से भी जस्ट फाड़ा, और इसके अंदर कुछ नहीं है, खाली है। सो सिर्फ इस बॉक्स के अंदर 2 स्टिकर मिलेंगे, 1 USB केबल मिलेगा और प्यारा सा GoPro मिलेगा। तो बैटरी लगाता हूँ मैं, चेक करता हूँ उसमें बैटरी लगा के। और ये परफेक्ट चालू यहाँ पे GoPro, बैटरी जो 10% है। अरे वाह, नया कितना अच्छा लगता है ना। ओके, ये दूसरे मोड में चेंज करना पड़ेगा इसका मोड। चलो चलो बाय, जल्दी मिलते हैं अब वापस। यस, ऑल इंडिया राइट, नेक्स्ट मंथ। यस, 2 घंटे यहाँ पे टाइम स्पेंड किए क्योंकि जो सामान लेना था उसका मार्केट में चल रहा था शॉर्टेज। ओके, तो कैसे ना कैसे अरेंज होके मिल गया। इनो मतलब मैं आया था यहाँ पे GoPro हीरो 8 लेने के लिए अपने दोस्त के लिए, और हीरो 8 वैसे बंद हो चुका है। तो बंद हो चुका है, लेकिन कैसे ना कैसे अरेंज हो गया। अब वो ये कह दिए कि अब आगे इसके आगे अरेंज नहीं हो पाएगा, होगा अब कहीं और हो सकता है, लेकिन इनके पास तो एक बार ट्राई कर सकते हो आप हीरो 8, क्योंकि हीरो 10 आ चुका है। हीरो 9 और 10 का ज़माना है, 8 और 7 और 6 और 5 का ज़माना गया। अब चलते हैं रेलवे स्टेशन, जो जेब में एक भी कैश नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट में कैश सब एक्सेप्ट जल्दी करते, नहीं तो बड़ा वाला कार्ड लेके आओ मारो। तो वैसे मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, मैं पैदल जा सकता हूँ यहाँ से स्टेशन बाजू में। ये जो है पीछे ये है CST स्टेशन, और हमें जाना है चर्च गेट स्टेशन। तो सामने से व्यू बहुत ही प्यारा लगता है यार, ये स्टेशन का व्यू ना बहुत ही प्यारा, और रात में जब इसमें LED लाइट जलते हैं तब तो बहुत ही शानदार दिखता है। और ये दोनों भी देखो शानदार कैसे खड़े है। और ये सब जो भी है रोड फेस दुकान है यहाँ पे, मतलब शाम को ही लगते हैं, और जैसे यहाँ की गाड़ी आती है ग्राम पंचायत तब इनको भागना पड़ता है। सो पूरा सब दुकान है, कपड़े लगते एवरीथिंग भाई, सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे। ठंडी तो चले गए फिर भी जैकेट मिल रहा है, और यहाँ पे है फैंसी वाले जीन्स 600 रुपया। सो आपने बहुत सारे मूवी में देखा रहेगा मुंबई का ये ग्राउंड, देखो सामने मुंबई हाई कोर्ट है वहाँ पे, और ये ग्राउंड है वो, ये सीन तो आपको याद होगा। बस ये है कि दोनों इस ग्राउंड में से बीच में से रास्ता दिया है, वरना ये बहुत बड़ा ग्राउंड होता। अगर ये रास्ता नहीं होता तो हम शॉर्टकट नहीं मार पाते, हमको लंबा घूम के आना पड़ता। तो दोनों का फ़ायदा है, ग्राउंड का भी और हमारा भी, सब लोग शॉर्टकट तरीके से जा रहे हैं। अभी जस्ट व्लॉग एडिट हो ही रहा है, फिनिश होना बाकी है। सो ये रहा मीडिया मोड, मैं यहाँ रखता हूँ थोड़ा, सब इसको ढंग से रखना है, वैसे रखे जा रहा हूँ। ये रहा GoPro हीरो 8 यहाँ पे, और ये रहा गोरिल्ला पोर्ट जो मैं आपको बता रहा था। इसमें इसका जो ऊपर का जो ये हुड है, ये जो बटन है इसको प्रेस करके ये बेस प्लेट निकालते हैं, तो ये बटन ये ख़राब हो गया, ये बेस प्लेट नहीं निकल रहा है, तो मैं इसको यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पे यूज़ होगा, इसको कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगाना ही पड़ेगा, इसका जुगाड़ नहीं मिल पाया, यहाँ रखता हूँ। और यहाँ पे है एक माइक, ये रहा। सो अभी जस्ट फेस क्लीन करके आया था। ये जो GoPro हीरो 8 है ये मैंने नहीं लिया, ये हमारे दोस्त का है, अजमेर में रहता है राजस्थान। अगर आप मेरे ब्लॉग देखते हो, अजमेर वाले देखे रहेंगे, तो आपको पता है कि अजमेर में मेरा कौन दोस्त है। तो उनके लिए ये GoPro, तो उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे ऐसे हमें GoPro चाहिए था, देन कम बजट में ऐसा वैसा, तो मार्केट जाके ही कम बजट में मिल सकता, ऑनलाइन तो कोई ऑप्शन है नहीं। तो मार्केट गए, बहुत जगह हमने बार्गेनिंग किया, बातें किया, कहीं इसका प्राइस ज़्यादा बोल रहे थे, कहीं कम बोल रहे थे। और ये GoPro हीरो 8 बंद हो चुका है, तो स्टिल लाइक है इसका, आपको कंपनी की ओर से कोई गारंटी वारंटी नहीं मिलेगा, तो समझ लो ये मतलब ऑफ मार्केट लिया है और कम पैसे में आया है। कम पैसा पकड़ लो, मतलब फिर भी इसमें 25 चला गया है। और भी सस्ता मिल रहा था, लेकिन वो कैसे, वो ओपन बॉक्स मिल रहा था। अभी ओपन बॉक्स लेते या वो
पता नहीं नया है कि पुराना है या साफ करके उसको अंदर रख दिया है, तो ये पूरा पैक बॉक्स था, तो इसलिए इसमें थोड़े थोड़े पैसे ज़्यादा चले गए। अगर ओपन बॉक्स लेते तो वो और कम में मिल जाता, लेकिन ये पैक बॉक्स था, एकदम ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू था, बस स्टॉक में किसी के पास था एक्स्ट्रा, तो ये हमें मिल गया। ये सब वो तीनों चीज़ें हैं जो हमारे दोस्त के लिए, बस अब इसके बाद ये ब्लॉग के बाद इसको पैक करना है अच्छे से और दोस्त के पास भेजना है कि वो भी अपना मोटो ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सके। सो 30,000 रुपये खर्च कर दिए मोटो ब्लॉगिंग के लिए। इसके बोलते हैं मोटो ब्लॉगिंग का बुखार। तो गाइस इस ब्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, और हमारा व्यूज का जो रिकॉर्ड है हम तोड़ते जा रहे हैं, और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है और काम करने का जोश आ रहा है कि भाई गजब कांड हो रहे हैं।